अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं LR न्यूज 24x7। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। और अभी तक इस पांचवें चरण के बाद बिहार में 24 सीट का, 40 में से 24 सीट का चुनाव क्या कहते हैं कि पूरा हो जाएगा और फिर जो है दो फेज और बचेगा 12 तारीख को और 19 तारीख को। तो अभी तक का जो हम लोगों ने शुरू में ही जो कहा था कि इस बार जो है पिछली बार से ज़्यादा NDA की आमदी चल रही है और अभी तक हम लोग जो जितने भी सीट हैं 24 में 2400 सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं और इसमें से बहुत क्रूशियल सीट भी थे जहाँ से मानते हैं कि हमेशा से जैसे आपका किशनगंज था या उधर अररिया है या उधर जो है और जहाँ से वो कटिहार है कि ये जो दो तीन सीटें थी, तीन सीटें वो जहाँ वहाँ काफ़ी क्या कहते हैं कि हम लोग चल सोच रहे थे, लेकिन उन सीटों में भी हम लोग सब जगह जो है वो जो है से निकल रहे हैं। और जो खास करके मायावती का जो वोट है वो वोट अभी तक सुधर नहीं पा रहा है, इसलिए कि चूँकि इन्होंने जम करके जो है समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध किया था, पार्लियामेंट में खुल करके मायावती के साथ में भी बदतमीजी किया था ना, और पहले जो जो गेस्ट हाउस का कांड था वो सब अलग था। तो उसमें जो है जहाँ जहाँ इनका जो है BSP का कैंडिडेट है तो वहाँ तो उनका जो कास्ट का जो है उत्साहित है, लेकिन दूसरे जगह पर उत्साहित नहीं है। उसके कारण से जो ज़्यादा वोट है जब उनको लग रहा है कि वहाँ वो उत्साहित नहीं है तो हम क्यों यहाँ क्या कहते हैं कि जान गंवाने का काम करें, है ना। तो इसलिए ये जो क्या कहते हैं सारा का सारा मुद्दा है, तो हमको लगता है कि कुल मिलाकर के जो है और फिर जो हम लोगों का उधर प्लस पॉइंट होगा अभी जैसे अब ममता बनर्जी है अब उतर गई है सीधे जो है उसके ऊपर में जो है झगड़ा के ऊपर में बूथ कैप्चरिंग फलना आज भी कहते हैं भयंकर तरीके से चल रहा है। तो जो जितने भी एलिमेंट्स थे जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में थे वहाँ वही सारे के सारे एलिमेंट्स जो है बूथ कैप्चर वाले जो है वो TMC में क्या कहते हैं पहुँच गए हमने गए। तो वहाँ क्या कहते हैं कि जो है इस बार अप्रत्याशित क्या कहते हैं कि NDA का जो है उनको वहाँ सीट क्या कहते हैं कि मिलेगा। और अभी जो वहाँ तूफान आया है तो आज प्रधानमंत्री जी का दौरा वहाँ हुआ था नवीन पटनायक जी के साथ में, 1000 करोड़ रुपया क्या कहते हैं कि उन्होंने घोषणा किया है जो तूफान आया था, तो उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और ये दुख का बेला था और उन्होंने दो दो बार अपने से जो समाचार पत्र में आया है कि उन्होंने टेलीफोन किया ममता बनर्जी को, तो भाई तुम अपने लिए नहीं लो कुछ करो, लेकिन कम से कम जो है वो तो अपने खजाने से कोई नहीं दे रहा है ना, सरकार का है तो उसमें जनता को यदि लाभ मिलता है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है, तो आप क्यों क्या कहते हैं कि उसमें जो है। तो इससे भी लोगों को लेकर के थोड़ा जो है तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों का टारगेट है कि जिस तरीके से हम लोग पिछली बार जीते थे जितने सीट से उससे कम सीट से क्या कहते हैं कि नहीं उतना सीट हम लोग NDA को जो है उतना सीट आएगा और फिर से क्या कहते हैं कि जो है सरकार क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार क्या कहते हैं कि बनेगी, कितना भी सीट आवे NDA की सरकार बनेगी, खत्म हो गया। पहले वो बतलावे ने उनका लीडर कौन है, लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनने ही वाले नहीं हैं तो प्रधानमंत्री का कहाँ पर प्रश्न उठता है, कहाँ है लीडर ऑफ दी अपोजिशन कौन बनेगा। आज हमसे लिखवा लीजिए कांग्रेस क्या कहते हैं 44 सीट है उससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, कांग्रेस तो पहले से भी कम सीट पर लड़ रही है तो कहाँ कांग्रेस को आने वाला है। उत्तर प्रदेश में कितनों भी दम लगा लेंगे, सब जगह तो वोट कटवा के रूप में खड़े हैं। बिहार में क्या कहते हैं कहाँ है जहाँ कह सकते हैं गारंटी के साथ में कि हम यहाँ जीतेंगे ही। तो इसलिए जो है उसमें क्या कहते हैं कि जो है
वो तो एक कहने के लिए आसान है कि ठीक है हम आएंगे चुन करके के आएंगे और उसके बाद जो है कह रहे थे कि अपना मिल करके सरकार बनाएंगे। अरे अभी तुम नहीं बना रहे हो तो फिर सरकार जो इनका सरकार जो बनी है वो किसी को मालूम नहीं है कि 6 महीना ज्यादा कांग्रेस ने किसी को चलने नहीं दिया है। तो आपने सुना रामविलास पासवान ने महागठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला और कहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। दावे तो किए जा रहे हैं, महागठबंधन के ओर से भी दावे किए जा रहे हैं, एनडीए के नेताओं से भी दावे किए जा रहे हैं, मगर अब दरअसल देखने वाली बात यह है कि 23 तारीख को यह पता चलेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। तब तक के लिए देखते रहिए एलआर न्यूज 24x7। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, पटना। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।